वैसे आजकल आप करती क्या हैं? मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। दूध फैक्ट्रीज? हाँ। अच्छा। अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी। हाँ? और मुफ्त में भी दूंगी। क्या आजकल के बुजुर्ग आपको ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि आजकल की फिल्मों में अश्लीलता और गंदे डायलॉग्स की हदें पार हो चुकी हैं, और उनके पुराने जमाने की फिल्में तो इतनी साफ सुथरी होती थी कि उनको एक साथ देखकर पूरा परिवार लुत्फ उठा सकता था। लेकिन पुरानी फिल्मों के कुछ गंदे सीन्स दिखाकर आज हम आपका ये भ्रम तोड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा ये रहस्य टॉक शो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब इस 1980 के दशक की एक फिल्म के इसी डायलॉग को ले लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये महाशय कौन सी घोड़ी बनने की बात कर रहे हैं। में रिलीज फिल्म फरिश्ते, जिसमें धर्मेंद्र, श्रीदेवी, विनोद खन्ना के साथ रजनीकांत ने भी अहम रोल निभाया था। इतने अच्छे स्टार कास्ट होने के बावजूद खुद देख लीजिए कि इस सीन में विनोद खन्ना किस दूध की मांग कर रहे हैं, और कहीं ये दूध देने वाली दुधारू भैंस वीडियो में दिख रही है महिला ही तो नहीं। खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो, आप जैसी। कभी कभी आ जाएं घर दूध पीने के लिए? हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी चलें? अभी? हाँ, वो कहा है कि हम मथुरा के रहने वाले हैं ना, किशन कन्हैया की नगरी के, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। कहा कह रहे थे हम दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते, चाहे वो दूध किसी गाय का हो। 1970 में रिलीज हुई फिल्म सच्चा झूठा, सुनिए इस फिल्म में राजेश खन्ना किस तरह मजे लेने की बात कर रहे हैं। छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। 1985 में रिलीज हुई फिल्म चीख, क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी फिल्मों में इतने डबल मीनिंग डायलॉग यूज किए जा सकते हैं? आपको रामू काका के बिना बहुत तकलीफ होती होगी करने में घर का काम, आप कहें तो मैं आपको एक अच्छी सी नौकरानी लाके दूं, आप मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और साहब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि वो करने में बहुत ही तेज है घर का काम। 1984 में राजेश खन्ना और श्रीदेवी की फिल्म मकसद, देखिए इस सीन में राजेश खन्ना कैसे घुसा देने की बात कर रहे हैं। वो चाहता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी, अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के उसे क्या 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 अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा, मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। और सबसे मजेदार सुहागरात की कहानी बताई गई है, मेरी धोती ते तेरा घाघरा। फिल्म के इस सीन में आपका हंसते हंसते पेट ही दर्द करने लगेगा। ये तो हर औरत को पता चली जाता है। ओ। पर बाबूजी, मेरी एक सहेली थी पारो, उसे कुछ भी पता नहीं था, उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा ये क्या है, तो पति ने जवाब दिया ये चिड़िया है। पारो ने पूछा मैं इसके साथ खेलूं, तो पति ने बोला हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई, फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया, पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला चला दिया। क्या हुआ? और आखिर में इस पवित्र गाने को सुनना तो बाकी ही रह गया।
तेरी ले लूं बाहें बाह में तेरी ले लूं बाहें बाह में धीरे धीरे डालूं धीरे धीरे डालूं चाल मैं धीरे धीरे डालूं चाल मैं। अब आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि कौन सी फिल्में ज्यादा साफ थी, पुराने जमाने की या आज के जमाने की। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।